साथियों, स्वागत है आपका इस सेशन में। साथियों, इन दिनों उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। विरोधी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, मुख्य रूप से कांग्रेस और साथ ही साथ जो अन्य दल हैं, वह यह कह रही हैं कि जो तीरथ सिंह रावत हैं उनकी कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल साथियों, ये बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि मार्च के महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था और तीरथ सिंह रावत उस वक्त गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी थे। अब साथियों, चूंकि वो राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं थे, अर्थात उत्तराखंड राज्य में सिर्फ विधानसभा है, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 का खंड 4 यह कहता है कि यदि कोई मंत्री निरंतर 6 मास की अवधि तक विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह इस अवधि के बाद पद पर नहीं बना रह सकता, अर्थात उसके बाद उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। और साथियों, यहीं से रास्ता निकल के आता है उपचुनाव का कि अब विधानसभा का सदस्य होना पड़ेगा तो उसके लिए उपचुनाव होगा, और उपचुनाव यदि कोई मंत्री और कोई मुख्यमंत्री जो है वे लड़ लेते हैं और जीत जाते हैं तो उनके जो मंत्री पद है वो बरकरार रहेगा, यानी मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री पद बरकरार रहेगा। लेकिन विपक्षी दलों का यह कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151 प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 ए है, उसके तहत उत्तराखंड राज्य में उपचुनाव हो ही नहीं सकते। दरअसल क्या है ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 ए, इसके तहत यह कहा गया है कि यदि किसी राज्य में 1 वर्ष से भी कम समय की अवधि रह गई हो आम चुनाव में, यानी विधानसभा चुनाव में, तो उस राज्य में उपचुनाव नहीं करवाए जा सकते। इस तर्क के आधार पर वो निरंतर मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार पर निशाने साध रही है। लेकिन साथियों, संवैधानिक दृष्टिकोण से अनुच्छेद 164(4) जो कहता है कि 6 माह की अवधि के भीतर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनको वो उपचुनाव लड़के अपनी सीट बरकरार रख सकते हैं, नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। इसको लेकर तरह तरह के बाजार गर्म थे कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, चूँकि जो 10 मार्च को पद की शपथ ली थी और 9 सितंबर को उनका कार्य 6 माह पूरा हो रहा है, तो इस अवधि में उन्हें उपचुनाव लड़ना होगा और जीतना होगा। अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि इसके बाद उन्हें इस्तीफा देना होगा, चुनाव आयोग चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ये तमाम तर्क आ रहे थे। लेकिन साथियों, इसमें जो चुनाव आयोग, पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर संकट की स्थिति है तो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 है तो वो बाधा नहीं आती है, चाहे उस राज्य में 2 महीने में भी विधानसभा चुनाव होने हो। यदि मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों की बात हो तो वहाँ पर उपचुनाव कराए जा सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार यह स्टेटमेंट उपचुनाव करवाने के पक्ष में नज़र आता है और इस प्रकार उपचुनाव होगा और मुख्यमंत्री अपनी कार्यकाल पूरा करेंगे। साथियों, इसके साथ ही साथ एक एग्जाम्पल और है। दरअसल एक प्रकरण इसी प्रकार का जो मुख्यमंत्री को लेकर है, वो कांग्रेस शासित राज्य उड़ीसा में भी हुआ था 1999 में। दरअसल 17 फरवरी 1999 को गिरधर गमाल को उड़ीसा का मुख्यमंत्री निर्वाचित बनाया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा और उस वक्त लोकसभा के सांसद थे। अब अगले मार्च में लोकसभा का कार्यकाल पूरा होना था, इसी बीच 23 जून 1999 को उपचुनाव करवाए जाते हैं जो 1 साल से भी कम की अवधि में करवाए गए हैं, और गिरधर गमाल चुनाव जीतते हैं और वो अपना पद पर बरकरार रहते हैं। तो इस प्रकार साथियों, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल के बारे में किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है वो आधारहीन हो जाता है, और खुद हमें अगस्त सितंबर माह में उपचुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, और उसके बाद यदि वो जीतते हैं तो उसके बाद उनका पद बरकरार रहेगा, और यदि वो चुनाव हारते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से। तो कुल मिलाकर उपचुनाव होगा और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के चुनाव लड़ने, उपचुनाव के रास्ते में कोई अड़चन नहीं है।